हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में ऑफ ट्रेन इंडियन ट्रेन सिमुलेटर, जिसमें हम लोग की गाइस खेलने वाले हैं, इंडियन ट्रेन चलाने वाले हैं। आज पहली बार भारी डिमांड पर हम लोग लेके आए हैं इंडियन ट्रेन, जो कि जाएगी बेसिकली आज हम लोग चलाने वाले हैं पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि रेलवे ने अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, जो कि आप लोगों को पता ही है, आप लोगों से क्या ही छुपी है बातें, जितने एक्सीडेंट जितने ओवर स्पीडिंग हम लोगों ने करी है, उस हिसाब से अपने को दिए सिर्फ पैसेंजर ट्रेन बोले हैं। सुपर फास्ट ट्रेन अपने को बाद में दी जाएगी अगर हम लोग सही से ड्राइविंग करेंगे तो बेसिकली आज अपने को पैसेंजर ट्रेन मिली है, जो कि अपने को ले जानी है अम्बाला से लुधियाना, जो कि है 116 किलोमीटर। तो पूरी जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं, और गाइज आप देख सकते हो बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये इंजन देखो आप, गाजियाबाद शेड का V4, और बाकी पूरा ट्रेन हमारी जनरल बॉगी है, और आगे आप देख सकते हो ये आई थिंक सो पार्सल वैन है। तो डोर्स वगैरह हम लोगों ने खोल दिए हैं, फटाफट पेंटोग्राफ ऊपर करते हैं और एक बार गियर वगैरह मैं देख लेता हूँ। गियर 70% पे अप्लाइड है, तो मैं सबसे पहले गियर डाउन करता हूँ, रिवर्सल फॉरवर्ड देता हूँ, और हल्का सा क्या बोलते हैं 5% का टोटल देते हैं हम, 10% का, 10 नहीं तो 20% का देता हूँ मैं, ठीक है। हल्का सा अपना डिपार्चर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो गाइस डिपार्चर चालू हो चुका है, आप लोग फटाफट ज़रा इन्जॉय करिए तब तक डिपार्चर। और उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर आप नए हो चैनल पे, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से करना प्रेस, क्योंकि भाई इंडियन ट्रेन सिमुलेटर की दुनिया में अब हम लोग भाई एक से ट्रेन चलाने वाले हैं और सारी जगह कवर करने वाले हैं, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। तो ज़रा मैं हॉन्क दे देता हूँ, मैंने गलती करी कि मुझे हॉन्क देना चाहिए था, मैंने दिया नहीं, तो मैं अभी हॉन्क दे देता हूँ। तो बाकी आप डिपार्चर देखो यार, और साउंड सुनो यार, इन्जॉय करो साउंड सुन के, एकदम रियलिस्टिक साउंड आ रहा है, और स्टेशन वगैरह हर चीज़ रियलिस्टिक है, कितना रियलिस्टिक लग रहा है गाइस। अभी तो हम कैबिन व्यू में जाएंगे तो ज़रा वो अपना वाइपर वगैरह ऑन करके, जब वो हम लोग बेसिकली जब चलाएंगे इंजन में बैठ के, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। और यहाँ पे एक और V7 के साथ कोई ट्रेन अराइव कर रही है अम्बाला जंक्शन, पता नहीं कौन सी ट्रेन है ये, गरीब रथ है कौन सी, आई डोंट नो, यहाँ से मुझे दिख भी नहीं रही है, मैं देखता हूँ, भरत स्ट्रीम एक्सप्रेस है कोई, पता नहीं, आई डोंट नो कौन सी ट्रेन है गाइस। ये हमारी वाली तो पैसेंजर है जो कि आराम से अभी डिपार्ट कर चुकी है, और यहाँ पे एक और ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर ये कौन सा है, आई थिंक 4 है कि 5 है, मुझे जाके एक मिनट देखना पड़ेगा। बाकी हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है, मैं एक मिनट जाके देखता हूँ, ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे एक और कोई तो ट्रेन आ रही है, ये भी गरीब रथ टाइप ही लग रही है मुझे, बाकी ट्रेन जो भी हो भाई साहब आप सीन देखो यार क्या। और यहाँ पे हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 छोड़ चुकी है, यहाँ पे अम्बाला जंक्शन को छोड़ चुकी है, आप देख सकते हो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, यहाँ पे एक और ट्रेन लग चुकी है। तो हम लोग गाइस अपनी ट्रेन में चलते हैं इज्जत के साथ, और ज़रा मैं वाइपर ऑन कर लेता हूँ क्योंकि भाई बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और मैं हल्का सा बोलो तो गेट खोल देता हूँ, ये अगर गर्मी लग रही हो आप लोगों को तो हल्का सा ठंडी ठंडी हवा आएगी, वैसे पानी भी आएगा लेकिन कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत पानी चलेगा लेकिन ठंडी ठंडी हवा बहुत ज़रूरी भाई, गर्मी का मौसम हो रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, कोई ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पे, आई डोंट नो कौन सी ट्रेन है ये, कोई तो ट्रेन खड़ी हुई है, हम लोग हल्का सा और टोटल देते हैं, स्पीड गेन करते हैं, मैं देख लेता हूँ कितने का स्पीड दिया है यहाँ पे, बेसिकली 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दिया हुआ है, तो थोड़ा सा डाउन ही कर लेते हैं, मैं टोटल एकदम जीरो कर देता हूँ, मे बी कोई ट्रेन का क्रॉसिंग होगा, जंक्शन वगैरह स्विच हो रहा होगा इसीलिए। और यहाँ पे हम मालगाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं, आप देख सकते हो, मैं ज़रा पैसेंजर व्यू आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई एकदम रियलिस्टिक, इंजॉय करो भाई, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है ना गाइस, खतरनाक, कोई तो ट्रेन आ रही है यहाँ पे, आई थिंक सो कोई शताब्दी एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस है ये, क्रॉसिंग देखो आप तब तक गाइस, और कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस है जो कि अम्बाला जंक्शन पहुंचने वाली है, और
और अपने को भाई क्रॉस कर रही है एकदम खतरनाक तरीके से। ये देखो तो अभी हम लोग फटाफट कैबिन व्यू में आ जाते हैं, जरा कैबिन व्यू में चला लेते हैं और मैं जरा आपको सिग्नल वगैरह वो सब दिखाता हूँ थोड़ा सा। आई थिंक जो जरा स्पीड लिमिट हम देख लेते हैं, अभी अपने को स्पीड लिमिट 60 की दे दी है, 42 पे ऑलरेडी चल रहे हैं। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हम टोटल पावर को, 50% पे रखता हूँ मैं, 48, 30, 35, 38, 50%। चलो तो 50% हमने दे दी है गाइज अभी थ्रॉटल पावर। और बाकी आपको ज़रा इंटीरियर में व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ वैब फोर का इस तरीके का इंटरव्यू है, इंटीरियर व्यू है, मैं इंटरव्यू बोल रहा हूँ। और सारी चीज़ें वर्किंग है, आप देख सकते हो, ये आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और बटन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब ज़रा हॉर्न दे देता हूँ यार, सिग्नल वगैरह भी देखना बहुत ज़रूरी है यार, सिग्नल ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई पैसेंजर के लायक भी नहीं रहेंगे, माल गाड़ी पे आ जाएंगे सीधा। आई थिंक सो अभी तो ग्रीन रहेगा सिग्नल, लेकिन तब भी देखना ज़रूरी, इसीलिए मैं थोड़ा सा कैबिन व्यू में बैठा हूँ। बाकी आप देख सकते हो यार क्या ही मस्त तरीके से हमारी ट्रेन एकदम चल रही है यार, मतलब मज़ा आ रहा है यार सीरियसली। बारिश वाली जर्नी, वो भी खतरनाक, अल्टीमेट, क्या बोलूँ मैं इसके लिए, कोई शब्द नहीं है। तो ग्रीन सिग्नल है तो कोई इशू नहीं है, बाकी 60-70 किलोमीटर पर आवर के आसपास पहुंच चुके हम। और यहां से हमारी है डबल लाइन, अभी आई थिंक सो जंक्शन हम लोग छोड़ चुके हैं, डबल लाइन तब भी है इस रूट पे, तो कोई इशू नहीं है। इस साइड से ट्रेन जाएगी, इस साइड से ट्रेन आएगी। बाकी पैसेंजर व्यू में एक बार ले चलता हूँ आपको। ये देखो गाइस जनरल क्लास है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है तो उसमें कोई स्लीपर या फिर थर्ड एसी या फिर ये सेकेंड एसी तो रहने नहीं वाला, जनरल क्लास है तो ऑब्वियसली पैसेंजर ट्रेन तो जनरल ही रहेगा इसमें बोगी। और बाकी अपने को स्पीड लिमिट 140 की दे दी है, तो थ्रॉटल पावर पे 100 करता हूँ और 140 की स्पीड लिमिट पे ज़रा हम लोग टच करते हैं गाइस। और भाई पैसेंजर का मज़ा ले रहे हैं हम लोग पूरा, ये देखो आप। बाकी यार बारिश बहुत तेज़ हो रही है और आई थिंक इमरजेंसी विंडो एक पता नहीं क्यों खोल रखी है ये लोगों ने। हाँ ऑप्शन मतलब ये वाला बंद कर सकते थे वो लोग, बट ठीक है पैसेंजर की मर्जी भाई, अपने को क्या करने का है, हम तो लोको पायलट हैं। बाकी बहुत तेज़ बारिश हो रही है आप देख सकते हो, अभी हम कैबिन व्यू में हैं और आई थिंक सो 140 से ऊपर ही पहुंच चुके हैं, तो मैं थ्रॉटल पावर एकदम ज़ीरो कर देता हूँ, क्योंकि यार पैसेंजर ट्रेन है कभी भी अपने को रुकने के लिए बोला जा सकता है। आगे सिग्नल ग्रीन है तो बेसिकली अपने को कुछ कुछ स्टेशन में रुकना भी पड़ेगा, हर एक स्टेशन नहीं है लेकिन कुछ कुछ स्टेशन रुकना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग पहले से तैयार रहते हैं भाई, नहीं तो अपने से सिग्नल ब्रेक बहुत ज़्यादा होता है बेसिकली, तो हम नहीं चाहेंगे कि अब और ज़्यादा हो ये सब चीज़ें। बाकी आई थिंक जो मैंने हेडलाइट ऑन नहीं कर रखी है, ज़रा मैं देख लेता हूँ। ओके अभी ठीक है, ओके मैंने बंद कर दी दोबारा से, मैं एक बार और देख लेता हूँ यार हेडलाइट क्यों ऑन नहीं है हमारी। चलो ये थी हमारे बेल का साउंड और बढ़िया से हॉर्न मारते चलते हम, क्योंकि वैसे तो सिग्नल ग्रीन ही है, थोड़ा सा ब्रेक अप्लाई करना चालू करते हैं गाइस। आई थिंक तो कोई तो स्टेशन आ रहा ही है, हॉल्ट नहीं है हमारा लेकिन तब भी स्लो कर लेते हैं, पैसेंजर ट्रेन है आई थिंक सो, कोई क्रॉसिंग वगैरह भी हो सकती है अपने अपने साथ, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भाई हल्का सा हॉल्ट देना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, भले ही अपना स्टॉपेज नहीं है यहाँ पे, लेकिन तब भी मैं हल्का सा हॉल्ट दूंगा यार, क्योंकि कोई भी ट्रेन की क्रॉसिंग हो सकती है यहाँ पे, इसलिए और इसीलिए मैं थोड़ा स्लो कर लिया हूँ इस ट्रेन को, बाकी ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे हम यहाँ पे, और ब्रेक में रिलीज़ कर देता हूँ हल्का हल्का, थोड़ा सा धीरे धीरे ही हम क्रॉस करेंगे यार। बस कोई क्रॉसिंग ना हो, अगर क्रॉसिंग होगी तो फिर अपने को रुकना पड़ेगा गाइस, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास, और फिलहाल मैंने रोक दिया है, कोई इशू वाली बात नहीं है।
बाकी मैं खोल दूँ क्या यार ये? आई थिंक सो खुले हुए हैं ना, अपने गेट्स वगैरह मैं देख लेता हूँ एक बार चल के। गेट्स वगैरह बंद है हमारे। ओके प्लेटफॉर्म पे नहीं हम लोग, तो अभी गेट्स नहीं खोल सकते। प्लेटफॉर्म पे रहते तो हम लोग गेट खोल सकते, क्योंकि यार यहाँ से कोई यहाँ पे स्टॉप था ही नहीं। अम्बाला शहर करके है, अम्बाला सिटी, छोटा सा स्टेशन है, जंक्शन है, बेसिकली जंक्शन नहीं है, स्टेशन है छोटा सा। बट आई डोंट नो, अपने लिए ग्रीन है सिग्नल की नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके आई थिंक सो ग्रीन ही है सिग्नल, तो हम लोग आई थिंक सो बढ़ सकते हैं अभी। तो मैं फटाफट ये ब्रेक्स रिलीज करता हूँ, सबसे पहले थ्रॉटल पावर देना चालू करता हूँ, और यहाँ से मैं आपको अभी फिर से वो दिखाऊंगा डिपार्चर। बोला डिपार्चर देखने का अलग ही मज़ा है यार, सीरियसली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यार गेम। मतलब लग ही नहीं रहा यार गेम है ये, मैं क्या बोलूँ अभी, आप देखो ज़रा, लग रहा है कि आपको गेम है ये, लग रहा है कि हाँ एक कोई ट्रेन है जो क्रॉस कर रही है खाली। ये देखो गाइस एकदम रियलिस्टिक व्यू। बाकी चलो हम हॉंक देते हैं, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा सा धीरे 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 निकाल रहे हैं अपना ट्रेन, तो हॉंक देते हुए चलते हैं बेसिकली हम लोग। बाकी यार ये बारिश का मौसम है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे ही चला रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यार सुपर फास्ट और राजधानी चलानी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी राजधानी ट्रेन चलाने के लिए इस रूट पे, सुपर फास्ट ट्रेन चलाने के लिए इस रूट पे, इसलिए अभी थोड़ा सा रियायत बरक रहे हैं हम, ताकि रेलवे अपने को फिर बड़ी ट्रेन चलाने के लिए दे, सुपर फास्ट ट्रेन चलाने के लिए दे। चलो थोड़ा सा स्पीड गेन करते हैं हम। आई थिंक सो एवरीथिंग इज गुड, यस। जरा हम क्रॉसिंग देखते हैं अपनी, बाकी स्पीड गेन कर रही है ट्रेन हमारी। तो गाइस कमेंट करके बताना यार कि आप लोग कौन कौन सी ट्रेन देखना चाहते हो और कौन कौन से रूट्स पे देखना चाहते हो। मैं हर रूट्स लाने की ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी हम लोग कवर अप करेंगे हर एक चीज, हर एक सिनेरियो, हर एक ट्रेन करने का ट्राई करेंगे जितना भी पॉसिबल हो सकेगा। बाकी तो वो इंडियन ट्रक्स वगैरह भी हैं आप, यार ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। और बाकी इस रूट्स पे और भी ज़्यादा अपडेट्स आने वाले हैं, ये चीज़ें काम चल रहा है ऑलरेडी। बाकी मैं गेट बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा ना पानी की बौछार आ रही है गाइस, इसीलिए मैं हल्का सा बंद कर देता हूँ। तो ये चीज़ सब चीज़ें लाइक इन प्रोग्रेस हैं, तो और भी ज़्यादा चीज़ें एड ऑन होती जाएंगी और हम लाते जाएंगे आपके लिए, तो वो इशू वाली बात नहीं है। बाकी हम लोग अभी चल रहे हैं, एकदम स्पीड फिर से गेन कर लिए, और ज़रा मैं देख लेता हूँ कि बेसिकली अपने को कितना दूर और रह गया अभी। ओके तो अपने को लुधियाना 104, अभी हम लोगों ने 16 किलोमीटर ही कवर अप किया है, तो अभी थोड़ा सा स्पीड गेन करनी पड़ेगी अपने को। और सिग्नल वगैरह सब क्लियर है यहाँ से, तो अभी मेरे को सब क्लियर ही दिख रहा है, थोड़ा सा चेक करना सही रहता है गाइस, अदरवाइज दिक्कत होती है। ये पीछे वाला व्यू था बेसिकली, ये देखो आपको पीछे वाला अगर व्यू देखना है तो ये पीछे वाला कुछ व्यू था। चलो अभी फिलहाल हम आगे वाले व्यू पर रहते हैं, और अभी एक ब्रिज आ रहा है और मैं ज़रा ब्रिज की क्रॉसिंग दिखाना चाहता हूँ आपको, इंजन व्यू से, पैसेंजर व्यू से दिखाना चाहता हूँ बेसिकली। ये देखो एकदम रियलिस्टिक साउंड एकदम रियलिस्टिक है, मज़ा आ गया भाई सुन के। बाकी थ्रॉटल मैं जीरो कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 140 प्लस जा चुकी है ट्रेन, इतना ज़रूरत है नहीं। वैसे अपने को 140 मिला हुआ है, और यहाँ पे एक गेट आ रहा था तो मैंने हॉर्न मार दिया, लेकिन हम लोग 133-140 के आसपास चला रहे हैं, तो मैं थोड़ा स्लो ही कर लेता हूँ। पैसेंजर ट्रेन ठीक है, थोड़ा सा लिमिट मेंटेन करके रखते हैं पैसेंजर ट्रेन की। बाकी आप लोग व्यू देखो यार, ये देखो
एकदम रियलिस्टिक भाई। ये देखो ट्रेन, चलो कैबिन व्यू में आ जाते हैं अपने। ओके, बाकी यहां से टर्न वन कुछ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहां से अगर जो भी टर्न वगैरह आएगा तो हमारा पूरा कर्व दिखेगा पूरा ट्रेन का। आगे का सिग्नल ग्रीन है, इजीली पास करना है अपने को। थोड़ी सी स्पीड हमारी काफी ज्यादा स्लो हो गई है, मैं हल्का सा थ्रोटल देता हूँ उसमें 20% के आसपास। बाकी आई डोंट नो कौन सा नेक्स्ट स्टेशन है, क्योंकि ये जर्नी जो है ना पहली बार हम ही कवर कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी सरप्राइज है और मजा भी तभी आता है जब सरप्राइज हो चीजें। ये फैन चल सकता है क्या? वैसे जरूरत है नहीं, विंडो से हवा आ रही है अच्छी खासी। बोलो तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं, यहां से हम इसको भी ऊपर कर सकते हैं, साउंड कम आएगा बेसिकली। ये देखो मैंने इसलिए ऊपर कर दी क्योंकि भाई थोड़ा साउंड नहीं, बेसिकली बौछार आ रही थी मेरे को और कुछ नहीं। और अभी मेरे को थोड़ा सा कोई स्टेशन दिख रहा है, ब्रेक देना अप्लाई करता हूँ। स्टॉप नहीं है हमारा, लेकिन पैसेंजर ट्रेन है तो रुकना तो बनता है यार। बाकी दो ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं यहाँ पे, जरा मैं पैसेंजर व्यू में ले सकता हूँ आपको कैसा व्यू आएगा यहाँ से, एकदम रियलिस्टिक। बाकी कुछ जैसे वो हमारे LHB राजधानी वगैरह कोचेज हैं, वहाँ पे चीज़ें और सही हैं, लाइक उनमें हम बेसिकली इधर से उधर शिफ्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं सीट्स वगैरह, इसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो प्रीमियम कोचेज हैं राजधानी वगैरह के या जो LHB कोचेज हैं उसमें ये ऑप्शन है। स्टेशन नहीं आया, मैंने पहले ही रोक दिया यार। हल्का सा और आगे चलना है मेरे को, इधर पे भी स्टॉप नहीं है अपना, आप देख सकते हो। पता नहीं कौन शंभू स्टेशन है ये, तो शंभू पे भी अपना स्टॉप है नहीं, तो इधर भी अपना स्टॉप है नहीं, तो बीच में रोक लेंगे थोड़ा देर के लिए, 2 मिनट के लिए, जो किसी को भी चढ़ना हो। पैसेंजर ट्रेन का काम ही यही होता है कि जो भी भाई सबको लेके चलती है, तो अगर किसी को चढ़ना होगा उसको भी ले लेंगे यार, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी हम थोड़ा सा प्रॉपर लगा देते ट्रेन अंदर। लास्ट व्यू में मैं चलता हूं एक बार, ये देखो गाइस पीछे भी हमारा पार्सल बोगी है और सबसे आगे भी पार्सल बोगी है। बाकी आप वो देखो यार, लाइक ग्राफिक्स देखो और एकदम डिटेलिंग देखो आप। यस, जबकि ये फ्री वर्जन है गाइस, ये डिब्बो का जो बॉगी है, वैगन है हमारी, ये फ्री वर्जन बॉगी है सब, तो डिटेलिंग बहुत तगड़ी है यार इनकी, सीरियसली मज़ा आ गया। मतलब अभी तो जब LHB चलाएंगे यार तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। बस हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट पहुँचने लगने वाली है शंभू स्टेशन, स्टॉप नहीं है लेकिन हम तब भी लगाएंगे यहाँ पे, कोई इशू वाली बात नहीं। यहाँ पे बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा, शांति बहुत है यहाँ पे। और यहाँ वाली बोगी के पास रहता हूँ मैं, थोड़ा सा बीच का भी नज़ारा मिलेगा और पीछे का भी, और थोड़ा सा आगे जाता हूँ मैं, क्या बोलते हो? इधर लगा देते हैं ब्रेक्स और रोक देते हैं हमारी ट्रेन को। तो गाइस ये देखो हमारी ट्रेन लग चुकी है फिर से, और आप देख सकते हो भाई स्टॉप नहीं है लेकिन तब भी हमने खड़ी करी है। ये कौन सा स्टेशन? शंभू स्टेशन है, जिसको भी चढ़ना है चलना है चल सकता है भाई, कोई इशू वाली बात है नहीं। अगर प्लेटफॉर्म पे रहती तो लाइक छोटा सा स्टेशन है, बेसिकली स्टेशन भी नहीं बोलेंगे हम इसको, छोटा सा स्टेशन है, स्टेशन तो बोल सकते हैं। ये देखो काफ़ी ट्रेन आगे भी निकल चुकी है क्योंकि यह बहुत
क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है ये, अकेली इकलौती पैसेंजर ट्रेन है इस रूट में जो कि मैं चला रहा हूँ, तो मैंने इसको काफ़ी बड़ा बना रखा है, लाइक 20 बोगी लगा रखी है इसमें। वैसे इतनी बोगी होती नहीं है पैसेंजर ट्रेन में, लेकिन तब भी मैंने 20 बोगी के आसपास लगा रखी है। तो ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। हमारे लिए देखो सिग्नल ग्रीन है, बेल दे देता हूँ मैं, ब्रेक करते हैं रिलीज और थ्रॉटल पावर देना चालू करते हैं। बाकी मैं आपको डिपार्चर फिर से दिखाता हूँ, डिपार्चर के मजे लो आप तब तक यहां से। एकदम जबरदस्त, आगे से लो थोड़ा सा, आगे से लेते हैं डिपार्चर के मजे, इस जंक्शन पॉइंट से लेते हैं बेसिकली, मजा आएगा। यहां पे मीट करेगी ना ये, आई थिंक इस वाले रूट पे आ जाएगी यहां से ट्रेन। थ्रॉटल पावर और मैक्स करता हूं मैं, ये देखो यहां पे स्पीड पकड़ रही है भाई गाड़ी। साउंड सुन रहे हो आप ट्रैक्स के, साउंड सुनो, इसलिए मैं जंक्शन पॉइंट के पास लेके आया था आपको। एकदम भाई क्या बोलूं मैं साउंड के लिए, 100 out of 100। सुन रहे हो भाई, साउंड सुन रहे हो आप, एकदम जैसे होने चाहिए। चलो मैं ब्रेक तो मैंने फुल रिलीज कर दी है, बाकी मैक्सिमम स्पीड में दे दिया हूं और केबिन में आ जाते हैं हम लोग वापस अपने। वो ड्राइवर का काम केबिन में ही होता है और कहीं नहीं होता। अब बाकी अगर अपने को थोड़ा सा पीछे आने का है तो वहां सकते, तो वो सिग्नल अपना ग्रीन था फिर रेड हो गया क्योंकि हम लोग क्रॉस कर लिए हैं। हमारे लिए अभी फुल एडवांटेज है, एडवांटेज मतलब कि फुल सिग्नल है हमारे लिए अभी, क्योंकि एक ही पैसेंजर ट्रेन चलती है तो थोड़ा सा प्रायोरिटी दी गई है इस ट्रेन को, इस रूट पे। मतलब कहने को पैसेंजर ट्रेन है लेकिन स्टॉपेज इतनी नहीं है। बाकी यार मैं वेट कर रहा हूँ जब सुपरफास्ट मिलेगी तब कितना मजा आएगा अपने को। चलो भाई थोड़ा सा पीछे वाली बोगी में चलें क्या? ओके थोड़ा सा पीछे वाली बोगी में चला जाए। ओके यहां से काफी ज्यादा पीछे हो गया इंजन में। क्योंकि अभी देखो साउंड उतना नहीं आ रहा और काफी तेज भाग रही है ट्रेन, अभी देखो लग ही नहीं रही पैसेंजर ट्रेन है, एकदम सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चल रही है। देखो आप भाई साहब नदी देखो, नदी के नजारे लो आप, लग रहा है ना यार रियलिस्टिक आ रहा ना गाइस मजा। तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि ऐसे एपिसोड अब रेगुलरली आने वाले हैं खतरनाक तरीके से। भाई वापस हम आ जाते हैं अभी केबिन रूम में, क्योंकि भाई कोई भी स्टेशन आके पता था, वैसे तो अभी स्टेशन अपने को रोकना नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ तभी सिग्नल्स। लुधियाना प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचना है अपने को डायरेक्टली, और आई थिंक सो कितना रह गया है अभी, है 90 किलोमीटर और रह गया अभी गाइस। अभी तो अभी जाना है, तो अगला स्टेशन जो है वो हम लोग स्किप मारेंगे और बाकी यहाँ पे अपना क्रॉसिंग हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस क्रॉसिंग देखो आप, पता नहीं कोई तो सुपरफास्ट ट्रेन जा रही है आई थिंक अंबाला जंक्शन की तरफ। खतरनाक तरीके से भाई एकदम पास करिए अपने को, और जो नेक्स्ट स्टेशन है ना गाइस अब हम लोग स्किप मारेंगे क्योंकि थोड़ा सा ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है, पैसेंजर ट्रेन लेट तो होना बनता है उसका,
इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, अब ठंडी ठंडी हवा आने दो भाई, अब मज़ा लिया जाएगा रूट का पूरे, है ना। ये वाले भी खोल देता हूँ मैं, थोड़ा सा ग्रीनरी दिखती रहती है तो अच्छा लगता है। इसको भी शटर को डाउन कर दो। अब मैं तो यार अभी गेट भी खोलने का, गेट भी खोल ही देता हूँ। सॉरी क्या है, बंद कर रखा हूँ। और येलो सिग्नल था, हेलो 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 हेलो, येलो सिग्नल था, ब्रेक देना चालू कर देता हूँ अभी से, आगे रेड सिग्नल हो सकता है। मैं पता इधर ही बातों में लगा रहा और उधर फिर से इशू हो गया अपने को। हाँ कोई तो स्टेशन आ रहा है बेसिकली, या फाटा के थ्रू, अच्छा बेसिकली गेट्स आ रहे थे तो इसीलिए येलो सिग्नल दिया होगा, लेकिन कुछ रहा होगा आगे जंक्शन पॉइंट वगैरह, वरना ऐसे तो नहीं देता है वो। चलो ये भी खुला रहने देते हैं। ये देखो गाइस येलो सिग्नल है, तो मैं वेट करूँ येलो सिग्नल का या फिर क्रॉस करूँ? आराम आराम से पढ़ सकते हैं बेसिकली हम लोग, ऐसे कोई इशू वाली बात है नहीं। थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ सकते हैं। आगे रेड सिग्नल दिख रहा है मुझे, अगर आप देख सकते हो आगे मुझे रेड सिग्नल दिख रहा है, तो बहुत धीरे धीरे बढ़ाऊंगा ट्रेन को। रेड सिग्नल क्यों दिया हुआ है यार? ओके मुझे क्रॉसिंग दिख रही है आगे, इसीलिए यहां से थोड़ा सा कॉशियस चलाना पड़ेगा अपने को। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन में आ जाते हैं वापस। अभी नहीं, आगे भी यार येलो ही दिख रहा है मुझे, आगे भी येलो ही है, करेक्ट। कोई तो मालगाड़ी वहां पे खड़ी हुई है, कोई स्टेशन है ये, अब कौन सा स्टेशन है तो पहुंच के पता चलेगा अपने को। ओके जंक्शन पॉइंट था, इसीलिए स्लो कराया है। स्टेशन कौन सा है ये? प्लेटफॉर्म पे लगाया है ये, कौन सा? राजपुरा जंक्शन। तो यहां पे रुकना पड़ेगा मुझे लग रहा है ऐसा। ऐसा मुझे लग रहा है गाइस कि मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखो गाइस पूरा कर्व बन रहा है अपने ट्रेन का, ये देखो क्या ही मस्त तरीके से अंदर जा रही है ना ट्रेन। बाकी ब्रेक देना मैं अप्लाई रखता हूँ चालू हल्का हल्का से, ताकि ट्रेन आगे ना निकल जाए एकदम। जैसे ही पूरा प्लेटफॉर्म पे लगेगी मैं रोक दूंगा। ओके तो प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है बेसिकली, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें क्या? थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं हम, अभी भी है स्टेशन बेसिकली। ये देखो गाइस ट्रेन आ चुकी है, बाकी बेसिकली हम लोग अभी गेट्स वगैरह खोलने चाहते खोल देते हैं। आई थिंक सो जिसको भी लाइक जाना वगैरह हो तो जा सकता है। ये देखो पैसेंजर वगैरह चढ़ रहे हैं हमारे, अब वैसे स्टॉप नहीं था हमारा, लेकिन आगे आई थिंक सो रेड दिया हुआ है, रेड नहीं येल्लो दिया हुआ है। ये देखो आप येलो सिग्नल दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ तो इशू रहा होगा। राजपुरा जंक्शन है ये, यहाँ पे तो वेब 7 वगैरह खड़े हुए हैं। ओके और यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी हुई है, पता नहीं यार यहाँ पे कुछ तो काम वगैरह चल रहा है।
थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूंगा मैं ट्रेन को, मतलब बढ़ा ही सकता हूँ मैं, हल्का सा और आगे लगा देता हूँ और 2 मिनट हम हॉल्ट लेंगे, उसके बाद फिर से चालू कर देंगे ट्रेन को, हल्का सा धड़का देते हैं आगे को थोड़ा सा और। बस 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 बस, इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो राजपुरा जंक्शन हम लोग पहुँच चुके हैं गाइज, और ओके यहाँ पे कोई ट्रेन आ रही है, मे बी हो सकता है, इसीलिए अपने को यहाँ पे हॉल्ट नहीं बेसिकली, लेकिन येल्लो सिग्नल पे रखा था हमारी ट्रेन को, क्योंकि यार ऑब्वियसली यार पैसेंजर ट्रेन है तो उतनी ज़्यादा क्लियरिटी तो नहीं मिलेगी उसको। बाइक की पता नहीं वेब 7 के साथ गाजियाबाद का वो है ये बैक 7, और कौन सी ट्रेन आ रही है ये, कोई तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, इसमें ऑलमोस्ट सारे अगर एसी हुए तो ये आई थिंक सो गरीब रथ हो सकती है, उसी के जैसे ये कोच लग रहा है मुझे, बाकी फिर जो भी ट्रेन हो आई डोंट नो। हल्का सा एक साउंड दिया है तो, क्योंकि 2 मिनट बाद हम लोग निकलने वाले हैं, और ये क्रॉस कर रही है कि यहाँ पे इसका हॉल्ट है ये जो ट्रेन है, मेरे को ये देखना है बेसिकली यहाँ रुकने वाली है कि इसका हॉल्ट है यहाँ पर। तब तक चाय पानी वगैरह पी लो गाइज आप लोग स्टेशन पे उतर के, जब तक अपनी ट्रेन रुकी हुई है। ये तो क्रॉस कर गई यार इसको, ओके इसी की वजह से रोका था क्या अपने को, बट लेकिन डबल लाइन है मुझे को समझ नहीं आया क्यों, मतलब उन्होंने रोका नहीं बेसिकली, येलो सिग्नल था तो मैं ही रुक गया, मैंने कहा यार आगे रेड मिल जाएगा, नहीं नहीं यार इसका हॉल्ट है यहाँ पे, आई थिंक सो इसका भी हॉल्ट है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है ये, लेट मी सी प्लेटफॉर्म नंबर थ्री पे इसका हॉल्ट है, बाकी हमारी ट्रेन आप देख सकते हो उस साइड खड़ी हुई है, और प्लेटफॉर्म नंबर किस पे खड़े हैं हम, प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ पे, टीटी भाई साहब ये देखो टिकट विकेट चेक कर रहे हैं, जो भी क्या कर रही है भाई, तो यहाँ से चढ़ेंगे वो जो भी करेंगे, हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं, ओके ठीक है। अभी हम लोग गाइस चलते हैं अपने इंजन की तरफ, और एक बार मैं देख के आता हूँ कि येल्लो का ग्रीन हुआ क्या, ग्रीन तो नहीं हुआ, येल्लो ही है, तो हम लोग बढ़ सकते हैं यार अभी, आई थिंक सो ज़्यादा वेट करने का मतलब है नहीं, भले ही हमारी ट्रेन पैसेंजर है लेकिन ठीक है, इतना भी वेट नहीं करने का, ऑलरेडी निकल चुकी है, हॉल्ट उसका हो चुका है, हमारी ट्रेन का भी हॉल्ट था नहीं लेकिन हम तब भी रुके यहाँ पे, तो आई थिंक सो अपने को बढ़ लेना चाहिए अब आगे, क्या बोलते हो गाइस, चलो मैं अभी ब्रेक रिलीज कर देता हूँ और थ्रॉटल देना चालू करता हूँ मैं 10%, बाकी ये बेल वगैरह मैं दे देता हूँ और हॉर्न वगैरह भी दे देता हूँ, और अभी बस डिपार्चर देखो आप लोग, फिर से राजपुरा जंक्शन से निकल रही है हमारी ट्रेन लुधियाना की तरफ, पैसेंजर ट्रेन बेसिकली, बारिश का मौसम और क्या चाहिए, खैर वो तो मौसम तो हमारे हाथ में नहीं है, जो मौसम होगा हमको तो ट्रेन चलानी है खाली, चलो गाड़ी स्पीड पकड़ चुकी है और राजपुरा जंक्शन ऑलमोस्ट छोड़ने वाली है, ट्रेन जो भी करो लाइक पैसेंजर ट्रेन में बनाई बहुत लंबी है ये, थोड़ी छोटी बना सकते थे लेकिन यार सिंगल ट्रेन है पैसेंजर, अब उसको भी छोटा कर दे तो फिर यार आ नहीं पाते यार, फिर वो एक ही बॉगी में यार बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो इसीलिए उसका ध्यान रखते हुए हम लोगों ने अच्छी खासी बॉगी अटैच करी है इसमें,
लाइक 20 के आसपास बोगी, जो कि होती नहीं है, जो कि मोस्टली सुपर फास्ट लेन में रहती है। और यहाँ से सिग्नल ग्रीन है अपने को, ये देखो, तो हम फुल थ्रॉटल देते हैं मैक्सिमम 100%। जब ग्रीन सिग्नल तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है। और थोड़ा सा रफ्तार पकड़ते अभी, क्योंकि अभी भी अपने को कितना जाना है, अभी भी अपने को 55 किलोमीटर कितना जाने का है, एक मिनट, 84 किलोमीटर जाने का अभी भी गाइस अपने को। तो बेसिकली एक दो स्टेशन अब स्किप करने पड़ेंगे अगर हॉल्ट नहीं हुआ। जैसे पिछले अब स्किप कर देते हम, लेकिन काइंड ऑफ येलो सिग्नल था तो हम मजबूरी में रुक गए थे वहाँ पे, लेकिन अब नहीं रुकेंगे। और बाकी मैं देख लेता हूँ चीज़ें ठीक है। हेडलाइट ऑन हुई क्या? ओके परफेक्ट, हेडलाइट हमने ऑन कर दिया बेसिकली इसीलिए ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी और व्यू और रहे, क्योंकि बारिश का मौसम है, व्यू क्लियरिटी उतना रहता नहीं। बाकी ये देखो, कितना पहुंच चुकी है, 140 आराम से पहुंच चुकी है। वेब 4 की जो स्पीड लिमिट है ना वो 140 टू 160 है। बाकी वेब 7 जब राजधानी वगैरह सुपरफास्ट वगैरह चलाएंगे तो उसमें वेब 7 लगा के चलाएंगे हम लोग, तो फिर भाई अलग ही मजा आएगा भाई इसमें। ओके यहाँ पे एक और ग्रीन सिग्नल है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, उसको भी क्रॉस करते हैं हम। बाकी थोड़ी देर के लिए पैसेंजर व्यू में आ जाता हूँ, एक मिनट में स्पीड लिमिट देख लेता हूँ। 138, अच्छा 140 ही है, 138 चल रही है हमारी ट्रेन। बाकी चलो मैं पैसेंजर व्यू में आ जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं गाइस हम, जिससे कि इंजन की साउंड ना आए, ठीक है। ये देखो पता नहीं कोई कौन सा एरिया हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी, ये तो पूरा का पूरा जंगल ही जंगल है। आप ये देखो, आप थोड़ा सा बारिश नहीं हो रही होती तो मैं आपको और चीज़ें क्लियर दिखाता, लेकिन कोई बात नहीं, आज के अपनी जर्नी में बारिश थी तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट जर्नी हम लोग करेंगे एकदम क्लियर वेदर में, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें भी लाइक मज़ा आ रहा है, इसका अलग ही मज़ा है बारिश के मौसम में ट्रेन कंट्रोल करना और ट्रेन पे लाइक वो हैंडल करना, वो अलग ही चैलेंज रहता है और मज़ा भी आता है उसमें। जैसा कि आप देख चुके हो कि मैं जो पिछली बुलेट ट्रेन वगैरह चलाता था तो वहाँ पे मेरे स्लिप हो जाती थी बेसिकली ट्रेन, तो यहाँ पे मैं ये सब नहीं करूँगा भाई, इंडियन रेलवे है यार, इसको हम थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान से चलाएंगे। और मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूँ स्पीड, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भगा रहा हूँ अभी मैं। वेब 4 भाई खतरनाक तरीके से हिल रहा है यार, तो थ्रॉटल पावर में जीरो कर दिया हूँ, स्पीड हमारी उतनी मेंटेन है, जब तक कोई हाई स्लोप नहीं आएगा तब तक कोई इशू वाली बात है नहीं, स्पीड घटेगी नहीं हमारी। बाकी साउंड सुनो आप, जो ट्रैक्स के साउंड हैं, जो बोगी के साउंड है वो सुनो आप, वो कितने जबरदस्त। ये देखो यहाँ पे चार्जिंग पिन सॉकेट सब दिया हुआ है, और यहाँ पे किसको क्रॉस कर रहे हैं हम लोगों ने, अभी कोई तो स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं हम बेसिकली। और यहाँ पे स्पीड लिमिट 20 दे रखी है और मैंने भाई ध्यान नहीं दिया उस चीज का, अभी भाई जंक्शन पॉइंट ना जाए हमारा। कौन सा स्टेशन है, आराम से प्लीज, येलो सिग्नल था, संभाल लियो। गजा भी भाई ट्रैक टर्न था एकदम से, वैसे भी ट्रैक्टर ना गया एकदम से भाई, मैं ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए मैं कैबिन व्यू ज़्यादा प्रेफर करता हूँ गाइस, दैट्स व्हाई, दिस इज द रीज़न।
बेसिकली अपने को चीज़ें पता चलती रहती है उसमें। अभी भी 20 की स्पीड लिमिट है, वही मेंटेन करके चलते हैं। बाकी ये देखो कर्व भाई, पूरा खतरनाक तरीके से कर्व लिया है ट्रेन ने। स्पीड लिमिट दे दी है अपने को, आई थिंक 140 की वापस से, तो चलो दे दिए तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है। फिर स्पीड अप करते हैं गाड़ी को। यहां से मैं आपको एक और आउटर व्यू दिखाऊंगा ट्रेन स्पीड अप का। देखो हमारी ट्रेन कैसे भी 20 से एकदम 140 पहुंचती है अभी। तो पिछले वाला स्टेशन हम लोगों ने स्किप किया, लेकिन थोड़ा सा स्लोली स्किप करना चाहिए था, थोड़ा सा ज्यादा तेजी से स्किप कर दिया। ये मिस्टेक तो हुई है, इट्स ओके, लेकिन बचा लिया ऑलमोस्ट हम लोगों ने, क्योंकि स्पीड सब स्लो कर दिया था। फिर हमने पूरा ऑलमोस्ट 100% ब्रेक्स अप्लाई कर दिया था मैंने। चलो अभी तो फिलहाल ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। 140 की स्पीड लिमिट दे दी है तो कोई इशू वाली बात है नहीं। फैन चालू हो सकता है, उसे फैन की जरूरत है नहीं, लेकिन बाकी मैं चीज़ें देख रहा हूँ। ये क्या हॉर्न नहीं है, मैनुअली भी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई इशू वाली बात है नहीं। इसको भी डाउन कर सकते हैं, जैसे कभी कभी सन वो आता है ना, धूप सामने की तरफ सन रहता है, तो सन कवर है ये। काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, वेदर के हिसाब से चीज़ें अपने को और पता चलती जाएंगी और मज़ा आता जाएगा। और यहाँ पे एक और क्रॉसिंग होने वाली है, जरा आपको क्रॉसिंग दिखाता हूँ। ये देखो क्रॉसिंग, देखो ये भी आई थी, तो कोई पैसेंजर ट्रेन ही जा रही है, ये छोटी ट्रेन है काफी। मजा आ गया भाई क्रॉसिंग में। यहाँ पे भी अपना सिग्नल ग्रीन है, मैं और चेक कर लेता हूँ चीजें। 71 किलोमीटर टू गो लुधियाना प्लेटफॉर्म नंबर 5, स्पीड लिमिट 140, तो हम लोग बढ़िया चल रहे हैं अभी। बाकी बारिश के मौसम में यही इशू रहता है, बारिश और सर्दी की विजिबिलिटी ना क्लियर नहीं रहती है, बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी यार मज़ा बहुत आता है इस समय, क्योंकि चैलेंजेस जितना ज़्यादा रहता है ना, उतना ज़्यादा मज़ा आता है फिर ट्रेन को चलाने में, ऑपरेट करने में। ओके सिग्नल यहाँ पे वो दे दिया है येलो, ब्रेक्स देना चालू करता हूँ मैं। क्योंकि भाई किधर पे भी रेड सिग्नल भी दे सकते हैं आराम से, कोई भरोसा नहीं है। आई थिंक कोई जंक्शन या मे बी कोई स्टेशन ही आ रहा होगा तभी। अभी भी सिग्नल येलो है आगे, तभी मैं 60 की स्पीड मेंटेन करता हूँ। ओके शाफ्ट टर्न है क्या, नहीं हमारा नहीं है, अरे हमारा यहां से था। ओके ये देखो गाइस, मैं आपको वो दिखाता हूँ, कर्व दिखाता हूँ पूरा। ये देखो साधुगढ़ जंक्शन है, ये कोई साधुगढ़ स्टेशन है,
हॉल्ट तो नहीं है हमारा यहाँ पे, लेकिन हम चलते हैं आराम से। हॉल्ट नहीं है हमारा वैसे भी, हम धीरे धीरे क्रॉस करते हैं। हॉन्क दे के आराम आराम से क्रॉस करते हैं। आगे भी येलो सिग्नल ही है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलेंगे आराम आराम से। बस थ्रॉटल उतना ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। बाकी ये देखो बढ़िया से क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, ये साधुगढ़ स्टेशन। मस्त तरीके से निकल गई यार हमारी ट्रेन। बाकी इधर पे आप देखो पूरा का पूरा कर्व आया है यहाँ पे, इधर पे आया है क्या? हाँ इधर पे पूरा का पूरा कर्व आया है। ये देखो यहाँ से ट्रैक चेंज हुए ना हमारे। भाई गजब व्यू आ रहा है यार बच्चे। बाकी क्रॉसिंग हो रही है हमारी किसी ट्रेन से, सुपर फास्ट ट्रेन है कोई तो। भाई साहब काफी तगड़ी स्पीड में है यार ये। हम अपने केबिन में अंदर आ जाते हैं अभी, क्योंकि मेरे को सिग्नल का जायजा लेना पड़ेगा। येलो है कि ग्रीन है? अगर ग्रीन रहता है तो फिर हम थोड़ा इधर उधर घूम सकते हैं, केबिन व्यू हो गया या फिर अपना पैसेंजर व्यू हो गया या फिर थोड़ा इधर उधर के व्यू हो गए। लेकिन अगर भाई येलो रहता सिग्नल तो थोड़ा सा हम लोग अंदर ही रहेंगे अभी। अभी मैं देख लेता हूँ बार कितना और रह गया हमारा स्टेशन। 66 किलोमीटर और रह गया अभी। एकदम मतलब रियलिस्टिक टाइप जर्नी बनाई हुई है, लाइक डिस्टेंस जो है ना और जर्नी एकदम रियलिस्टिक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी देर में 60 किलोमीटर कवर अप हो गया। अच्छा खासा टाइम और मौका मिलेगा आपको ड्राइव करने का, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी अभी अपना सिग्नल ग्रीन था तो थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, हल्के फुल्के बाहर के मजे ले सकते हैं। तो सिग्नल पे ध्यान दे रहा हूँ गाइस। ओके ग्रीन है, गुड। थोड़ा सा पीछे वाली बोगी की साइड चलते हैं, लेट्स गो। अभी हल्का सा इंजन का साउंड कम आएगा और ट्रैक्स का साउंड आओ आप सुनो हल्का सा। अरे यार लेकिन मुझे यहाँ से दिक्कत वही है ना कि मुझे सिग्नल्स नहीं दिखेंगे यहाँ से अच्छे से। स्लो कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है स्पीड लिमिट कम होने वाली थोड़ी देर बाद। फोर्टी % ब्रेक्स दिया हूँ मैं, अभी जीरो कर लेता हूँ। 100 प्लस चल रही है उतना मेंटेन करते हैं, 100 120 ऐसे। तो
ऑलमोस्ट कोई स्टेशन आने वाला है और मुझे लग रहा है कि जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग दो पार्ट में इसको कवर करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे हॉल्ट भी अपने को लग सकता है। ब्रेक्स देता हूँ मैं क्योंकि स्पीड लिमिट सडन डाउन करी होगी उन्होंने। ये देखो एकदम सडनली डाउन कर देते यार ये लोग। और यहाँ पे कोई तो जंक्शन आया है, लेट्स सी क्या हम यहाँ पे हॉल्ट ले सकते हैं। ब्रेक रिलीज करता हूँ मैं यार, हमारी गाड़ी लगने दो सही से। ये क्या हो रहा है भाई, कौन सा स्टेशन है ये? सरहिंद जंक्शन है ये। यहाँ पर भी येलो ही दिया हुआ है अपने को, जो कि मैंने क्रॉस भी कर दिया। ओके थोड़ा देर रोक देता हूँ मैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों यार येलो दे रहे हैं यहाँ पे, बाकी पता नहीं लोग उतर भी रहे हैं यार क्यों, मतलब स्टॉपेज नहीं है हमारा लेकिन तब भी लोग उतर रहे हैं। हो सकता है लाइक किसी का पैसेंजर गए यार, तो लोग गांव वगैरह के भी लोग चढ़ जाते हैं उसमें, लाइक छोटे छोटे गांव के चढ़ जाते हैं क्योंकि उनको अभी हर स्टेशन सुपरफास्ट तो रुकने नहीं वाली, तो बेसिकली वो लोग फिर पैसेंजर का यूज़ करना पड़ता है सबको। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने रोक तो दी है आई थिंक। सो आगे वाला सिग्नल ग्रीन है क्या, लेट मी चेक। तो एक काम करते हैं गाइस, हम लोग की बेसिकली हम लोग सरहिंद जंक्शन पहुंच चुके हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हल्का सा आउटर पे रुकी हुई है हमारी ट्रेन, मैं एक बार और ये चेक कर लेता हूं कितना हमारा रह गया है अभी। तो हमारा अभी भी 60 किलोमीटर के आसपास है लुधियाना जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे पहुंचाने का है अपने को। तो मैं गाइज यहाँ गेम को कर लूँगा यहीं पर सेव, और बाकी की जर्नी जो है ना वो गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं इधर से ही सरहिंद जंक्शन से। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और ये वाला एपिसोड कैसा लगा, और आप लोग क्या क्या चाहते हो मैं कौन कौन से रूट्स और कौन कौन से ट्रेन्स को कवर करूं, तो कमेंट में आप लोग अपनी राय बता सकते हो। बाकी गाइज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लुधियाना की जर्नी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यहीं से। आज हम लोगों ने कितना कवर किया, बेसिकली 116 कुछ था, तो 45 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग 60 किलोमीटर पूरा कवर कर लेंगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको करना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से कर लेना प्रेस ताकि मेरी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। बाकी मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सरहिंद जंक्शन से हम लोग करेंगे यहाँ से पूरी कंप्लीट जर्नी लुधियाना जंक्शन तक। तब तक ख्याल रखिए अपना एंड गुड बाय।